इंटरनेट पढ़ाई पर कंप्लीट कोर्स बिल्कुल फ्री और सबसे पहले पाने के लिए इंटरनेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। स्टार्ट करते हैं अपन आज फिजिक्स का बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा आज का चैप्टर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन होता क्या है। आगे बढ़ने से पहले अपन को यह जान लेना चाहिए कि यस फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ फोर्स। ये क्या है, एक फोर्स है। और किस टाइप का फोर्स है, एक सेल्फ जनरेटिंग ये फोर्स है जो कि अपने आप ही जनरेट हो जाता है, अपने आप ही ये उत्पन्न हो जाता है। लेकिन कब, ठीक है, व्हेन एन एक्सटर्नल इन द प्रेजेंस ऑफ सम अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, कोई भी एक एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स होता है उसके प्रेजेंस में ही ये फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जनरेट होता है। एक बात और होती है कि कितना जनरेट होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स अप्लाइड। कभी भी इस अप्लाइड फोर्स से ये ज़्यादा नहीं हो सकता। एक लिमिट आएगा जब ये इसको अपन स्टार्ट करेंगे, अप्लाइड फोर्स को अपन ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएं तो एक लेवल तक ये इसके इक्वल रहेगा। बट उसके बाद ये उससे छोटा हो जाता है टू ए मैक्सिमम लिमिट। ये होता है अप्लाइड फोर्स, ओके। फिर आता है इसके बातें कि इसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये कोई ब्लॉक है, हैज बीन केप्ट ऑन द ग्राउंड, या फिर किसी एक दूसरे सरफेस पे इसको हमने क्या रखा है। इस पे सपोज करो हमने इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाइड करा। नाउ दिस ब्लॉक टेंड्स टू मूव इनटू दिस डायरेक्शन। ये क्या करेगा, टेंड्स टू मूव, मतलब कि मूव करना चाहेगा कि इसके अलॉन्ग ये मूव कर जाए। बट एक फोर्स यहाँ पे ये जनरेट हो जाएगा और इसी को बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। और ये जो हमेशा जो मूवमेंट है उसको, मूवमेंट को ये क्या करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज टेंड्स टू अपोज, ये हमेशा क्या करेगा, अपोज करता है। तो इसलिए क्या है, सेल्फ जनरेटिंग या अपोजिंग फोर्स इसमें लिख सकते हैं, सेल्फ जनरेटिंग अपोजिंग फोर्स। ये हमेशा ही क्या रहेगा, अब कहीं हमने इस ब्लॉक में इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया हमने, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है कि हमेशा क्या करेगा, अपोजेस द मोशन, जो भी मोशन हो रहा है या होने वाला है, ठीक है, हो रहा हो या होने वाला है उसको क्या करेगा, टेंड्स टू अपोजेस द मोशन या मूवमेंट। ये हमेशा ही क्या करेगा, जिस भी डायरेक्शन में मूवमेंट होगा या होना चाहेगा हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जनरेट होता है। इसके रीजंस क्या होते हैं, व्हाट आर द रीजंस व्हाई द फ्रिक्शनल फोर्स जनरेटेड, फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होने के रीजंस क्या हो सकते हैं, समझते हैं। सपोज अ बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, एक बॉल को हमने क्या करा, थ्रो कर दिया ग्राउंड पे। अब आफ्टर मूविंग और ट्रेवलिंग थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप कर जाएगा। क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, उस पर यदि एक्सटर्नल फर्दर फोर्स ना अप्लाई किया जाए तो आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस वो भी रुक जाता है। रीजन क्या है, जैसे मूवमेंट तो ये बॉल है रोल कर रहा है तो इस डायरेक्शन में है,
ग्राउंड पे क्या हो रहा है, एक अपोजिंग फोर्स हमेशा इस पे लगता जा रहा है, जो कि क्या कर रहा है, इस मूवमेंट को धीरे धीरे एक डिसिपेटिंग फोर्स है ये काइंड ऑफ डिसिपेटिंग फोर्स धीरे धीरे क्या करेगा, इस मूवमेंट को, गति को क्या करेगा, जो स्पीड है उसको स्लो डाउन कर देगा, एंड आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक विल बी स्टॉप। ठीक है, और क्या रीजन हो सकता है, जैसे कि ना एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक ब्लॉक लेते हैं, ठीक है, ग्राउंड मान लेते हैं, एक ब्लॉक है, ओके, ब्लॉक है, इस पे हमने एक फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है, अब ये मूवमेंट होकर यहाँ पे चला आया, मूवमेंट होकर यहाँ पे चला आया, आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस ये क्या होगा, यहाँ पे रुक जाएगा। नाउ ये तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक था, अब इसी ग्राउंड पे हमने क्या करा, एक बॉल ले लिया, जो फोर्स यहाँ पे हमने अप्लाई करा सेम फोर्स अपन यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल मूव टू अ ग्रेटर डिस्टेंस। अब इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है कि ये ब्लॉक जो है यहीं तक गया, ये यहाँ तक चला गया, ये रीजन क्या है, ये रीजन इसके पीछे क्या हो सकता है और क्या होता है, तो इसके पीछे होता है कि छोटी सी एक बात समझ लेते हैं, इरेगुलरिटीज, इरेगुलरिटीज, ठीक है, जो भी फ्रिक्शनल जनरेट होता है इन इरेगुलरिटीज के कारण होता है, और जो भी फ्रिक्शन जनरेट होगा जब भी होगा वो दो सरफेस के बीच में ही होता है, बिटवीन टू सरफेसेस। इस केस में क्या है, टू सरफेसेस ऐसे पेयर्ड हैं, ठीक है, ब्लॉक है, इस केस में क्या है, बॉल के केस में एक सिंपली एक पॉइंट, या वी कैन से द लाइन, एक पॉइंट के थ्रू इस पे क्या हो रहा है, ये पॉइंट ही उसके कॉन्टेक्ट में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन या इरेगुलरिटीज में इसमें क्या है, कमी आ रही है, इरेगुलरिटीज के कॉन्टेक्ट में ये कम है, यहाँ पे बहुत सारी इरेगुलरिटीज है जो कि इसको क्या कर रही है, इंटरलॉकिंग कर रहे हैं। इंटरलॉकिंग मतलब होता है कि जैसे इसको मान लेते हैं इरेगुलरिटीज है, अब इसमें इसको हमने ऐसे ब्लॉक कर दिया ऐसे, ये क्या हो गया एक तरह से इंटरलॉक्ड, जो भी इरेगुलरिटीज है ये क्या हो गया, इंटरलॉक्ड हो गया, एंड दिस इरेगुलरिटीज आर ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन इन द स्पीड, और रिडक्शन इन द स्पीड सो दैट द ऑब्जेक्ट स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस। अब मान लेते हैं कुछ ऐसा आइडल केस होता, एक ऐसा आइडल केस होता जहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन, ठीक है, ये बिल्कुल आइडल केस है, क्या है ये, आइडल, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, लेकिन मान लेते हैं ऐसा हो जाता है, कहीं भी क्या है कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, तो इस बॉल को यदि अपन रोल कर देते ये कहीं भी जाकर रुकता नहीं, ये क्या होता, कहीं भी रुकता नहीं, कीप ऑन ऐसे ही ये मूव करते जाता, ठीक है। तो यहाँ से एक और बातें आती हैं कि फ्रिक्शन वेदर इट इज नेसेसरी और नॉट, क्या फ्रिक्शन जरूरी है या नहीं है, ठीक है, फ्रिक्शन कहाँ तक ज़रूरत है और कहाँ तक नहीं ज़रूरत है। जैसे अपन अभी हम कुछ देर पहले यहाँ पे अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट हमने कुछ इस पे लिख दिया, ठीक है, तो लिखा कैसे, जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, अभी मन किया हमने इसको क्या करा, मिटा दिया, तो ये भी कैसे मिटा, जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। तो ये सभी क्या है, फ्रिक्शन के पार्ट हैं, और फ्रिक्शन को अपन डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे अपन वी आर एबल टू मूव, हम मूव कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड, क्यों, जैसे अपन वॉक करते हैं, रन करते हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, ओके। अब कहीं रनिंग और वॉकिंग करने के वक्त में कहीं पैर के नीचे यदि सपोज करो बनाना पिल आ जाए, ओके, बनाने का छिलका आ जाए, तो केला होता है उसका छिलका पांव के नीचे पड़ जाने से क्या होता है, अपन स्लिप कर जाते हैं, क्यों स्लिप कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट नहीं हो पाता और अपन वॉक नहीं कर पाते हैं, या फिर अपन टॉडल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ओके। तो फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल, ठीक है, नेसेसरी मतलब क्या होता है कि जो कि मस्ट है,
नेसेसरी मीन्स समथिंग मस्ट, जो कि जरूरी है, और इविल मीन्स समथिंग बैड, ठीक है, नेसेसरी मीन्स समथिंग मस्ट जो कि जरूरी है, बैड, तो ऐसी ये बुराई है जो कि जरूरी है। यहाँ से तो यही बातें आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि मस्ट भी है जरूरी भी है, तो जैसे वॉक वाला एग्जाम्पल लिया तो उसके लिए बेस्ट है, उसके लिए ये बेस्ट है, ओके, दिस इज अ बेस्ट एग्जाम्पल टू इलिबरेट, ठीक है। नेसेसरी इविल, इविल भी अपन बोल सकते हैं इफ द फ्रिक्शन इज मोर देन आर डिमांड, इफ द फ्रिक्शन फ्रिक्शन इज मोर देन रिक्वायरमेंट, फ्रिक्शन इज मोर देन रिक्वायरमेंट, तो ये एक तरह से क्या हो गया, बैड भी बोल सकते हैं इसको, इविल बोल सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अपन कहाँ देख सकते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं कि जैसे अपन वॉक ही कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं अपन वॉक कर रहे थे, तो एक लिमिट तक तो फ्रिक्शन जरूरी है, लेकिन कभी कभी ये फ्रिक्शन क्या हो सकता है कि ज़्यादा हो सकता है। सपोज करो अपन सूज जो होता है, सूज में हमने कुछ वो नेल टाइप का हमने रख दिया, सो दैट कि ये क्या हो रहा है, ग्राउंड में धंसते जा रहा है, तो ग्राउंड से धंसते जा रहा है, तो इसको फोर्स अपन को ज़्यादा, वी हैव टू अप्लाई अ ग्रेटर फोर्स, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया, फ्रिक्शन हैज इंक्रीज्ड हियर, तो फ्रिक्शन जब इंक्रीज कर जाएगा तो वी हैव टू अप्लाई मोर फोर्स, अपनी एनर्जी ज़्यादा एग्जॉस्ट होगी, तो यहाँ से एक इविल का भी एग्जाम्पल मिल रहा है कि यस ये क्या है कि अ इविल है, बट फ्रिक्शन इज मस्ट। अब थोड़ा समझते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके से समझते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। द फर्स्ट आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, ये क्या हो सकता है, जैसे हमने कुछ डस्टर है, डस्टर से मैंने इसको क्या करा, साफ कर दिया, तो एक तरह से क्या हो रहा है कि एक सरफेस आ रहा है, एक सरफेस, यहाँ पे क्या है, यह सरफेस है, एक प्लेन है, प्लेन, एक प्लेन दूसरे प्लेन के कांटेक्ट में आ रहा है, प्लेन टू प्लेन कांटेक्ट हो रहा है, तो ऐसा फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, प्लेन टू प्लेन कांटेक्ट, एक प्लेन से दूसरे प्लेन का कांटेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे इस टाइप का हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि यस एक पूरा ये ब्लॉक है, एक सरफेस है, इसके ऊपर ये दूसरा ऐसे यू सरफेस है, और ये आपस में क्या हो रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, तो इन दोनों सरफेस के बीच में क्या हो सकता है, किस टाइप का फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, दैट विल बी द सेड टू बी द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये होता है, ठीक है, दो सरफेस, जैसे अपन क्या करते हैं, अपने हैंड को रब करते हैं, हैंड रबिंग, हैंड को रब करेंगे, तो आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम जो पाम होगा वो क्या होगा, हीटेड हो जाएगा, तो हीटेड के पीछे रीजन क्या है, व्हाट आर द रीजंस, रीजन यही फ्रिक्शन है, ड्यू टू द फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शन के कारण ही क्या होता है, ये हीट जनरेट हो जाती है, ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि हीट का फोर्स से क्या रिलेशन है, हीट का फोर्स से क्या रिलेशन है, बट यहाँ पे अपन यही समझ के चलते हैं कि रब करने से क्या हो जाएगा, हीट जनरेट हो जाएगा, मीन्स पाम विल बी हीटेड, एक तो ये इसका एग्जाम्पल आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें समझने वाली क्या बात है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो क्या है, प्लेन टू प्लेन कॉन्टेक्ट होता है, जहाँ पे एक प्लेन दूसरे प्लेन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है। वट कुड बी द नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन, नेक्स्ट टाइप का फ्रिक्शन क्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या देखा है, एक सरफेस है, कोई सरफेस था, वहाँ पे हमने एक ब्लॉक रख दिया, ब्लॉक को अपन क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, और ये इस प्लेन पे क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अपन देखेंगे कि फोर्स समथिंग मान लेते हैं कि 100 न्यूटन का लग रहा था इसको स्लाइड कराने में। एक नेक्स्ट टाइप का आता है रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, अब ये क्या हो सकता है, ये सेम ब्लॉक हमने लिया, अब इस ब्लॉक के नीचे हमने क्या करा, दो रॉड रख देते हैं या व्हील लगा देते हैं, ओके, और फिर हमने इस ब्लॉक को क्या करा, जो भी ये ब्लॉक था, फोर्स अप्लाई करा, अब ये बहुत ही आसानी से ये रोल होने लगेगा ऑन दिस सरफेस, इसका समथिंग
मच लेसर देन, मान लेते हैं कि 50 न्यूटन आ रहा है या 60 न्यूटन 50 न्यूटन, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि सेम ब्लॉक को इस फोर्स स्लाइड कराने के लिए, ठीक है, एक 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 50 न्यूटन में ही ये रोल होने लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो F1 है और यहाँ का जो F2 है, ठीक है, ये F1 क्या है, F1 इज मच मच ग्रेटर देन F2। यहाँ पे जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन जो जनरेट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है इज कम्पेयर टू द फ्रिक्शनल टू। यहाँ पे बहुत ही एरिया जो क्या है, एक लिमिटेड, एक शॉर्ट एरिया डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, दैट्स वाई द फ्रिक्शन इज लेसर हियर वेयर इज द फ्रिक्शन इज हायर इन दिस केस। तो क्या हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में हमने क्या देखा कि थोड़ा सा इमेजिन करके इसको देखें, तो जैसे कि ये कोई रोलर है, ये रोलर, ओके, रोलर को अपन इस व्यू से देखते हैं, अपन इस व्यू से देखेंगे तो क्या होगा, एक लाइन कंटेक्ट में आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि यस लाइन एंड प्लेन आर इन कंटेक्ट, लाइन एंड प्लेन आर इन कॉन्टैक्ट। इसके और भी बहुत सारे बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि रोलिंग फ्रिक्शन थे, बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग क्या होता है, अपन की बाइसिकल होती है, अपन की बाइसिकल होती है, तो जिस जो उसमें एक्सल होता है एंड हब होता है, ठीक है, एक्सल और हब के बीच में, जैसे कि हमने ये मान लिया एक्सल है, ये हब है, इसके बीच में छोटे छोटे ये बॉल लगे होते हैं, ठीक है, और इस टाइप के को क्या बोलते हैं, बॉल एंड बियरिंग। तो इसमें क्या हो गया कि ये एक प्लेन है, एक प्लेन तो ये आउटर है, प्लेन वन, एक प्लेन ये यहाँ पे है, प्लेन नंबर टू, ठीक है। अपन ने क्या करा, इनके बीच में बॉल रख दिया, स्फीयर्स रख दिया। अब स्फीयर से क्या हुआ कि इनमें पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टेक्ट आ जा रहा है, यहाँ पे एक क्या है, एक लाइन कॉन्टेक्ट है या पॉइंट कॉन्टेक्ट है, यहाँ पे भी पॉइंट कॉन्टेक्ट आ जा रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो मतलब इसको करने से पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टेक्ट हो जा रहा, तो सरफेस एरिया क्या हुआ, हाईली रिड्यूस्ड हो गया। सरफेस एरिया जो कॉन्टेक्ट में आ रहा है वो क्या हो गया, हाईली रिड्यूस कर गया। उस रिडक्शन से क्या हुआ कि फ्रिक्शन क्या हो गया, जो फ्रिक्शनल फोर्स जो जनरेट हो रहा था वो भी क्या हो गया, हाईली रिड्यूस्ड हो गया, हाईली रिड्यूस हो गया, ओके। तो रोलिंग फ्रिक्शन के ये सब एग्जांपल्स हैं, इसके और भी बहुत एग्जांपल्स होते हैं और इसका यूज अपन बाइसिकल में करते ही हैं, फैन में भी कर लेते हैं जो हवा देता है उसमें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद इसके